अस्सलाम वालेकुम, मिशंस पेश करते हैं डिफेंस फेज 8 में ए जोन में खयाबान शाहीन के करीब हज़ार और हज़ार के दो जोड़ी है, एक मकान बना और एक खाली प्लॉट है। बहुत बड़ी पार्किंग है गैर हज़ार गज का। सबसे अहम बात है इसकी वुड वर्क जो है ये पूरे बर्मा टीक है, बहुत शानदार वुड वर्क हुआ हुआ है। बड़े डिसेंटली बना हुआ घर है। ये देखिए एंट्रेंस लॉबी है और यहाँ से अगर एंट्रेंस का जो बना हुआ है राइट पे, फिर लेफ्ट पे दिखाता हूँ। पहले आपको ड्राइंग रूम है और वुड वर्क देखो बहुत डिसेंट टेस्टफुल बना हुआ है, शोक नहीं है। ये ड्राइंग रूम है, खासा वसी जा रहा है, हज़ार गज का, लाइट्स भी और फ्लोर भी है, बिल्कुल बहुत कम इस्तेमाल हुआ हुआ, बहुत केयरफुली यूज़ किया हुआ है, छोटी सी फैमिली ने यूज़ किया है। दोनों तरफ विंडोज़ हैं और इसके बाद ये ड्राइंग रूम का साइज़ लाइट से देखें। इसके बाद ये भी ड्राइंग रूम का एडिशनल एरिया है सिटिंग का, खोल जाए तो पूरा साथ ही है, एक एडिशनल गेस्ट रूम टाइप है, बल्कि ड्राइंग रूम ही कह लें। अच्छा, हर कमरे के बारे में ऐसी ग्रीनरी है, कुछ बनाया ऐसे है कि बीच में इन्होंने ओपन एरिया छोड़ा हुआ है और डायरेक्ट एंट्रेंस के बाद पहले राइट पे जाएं तो एक वॉशरूम ही होता है, पाउडर रूम कह लें, ये भी अच्छा बना हुआ है। कंस्ट्रक्शन वाकई बहुत म्यारी हुई हुई है और यहाँ अब ये जो पैसेज है इसके भी बाहर तीन तरफ से ना ग्रीनरी है और थोड़ा एक पोर्च सा बना हुआ है। ये डाइनिंग एरिया है, डाइनिंग रूम है, बड़ा डाइनिंग रूम है, ज़रा बड़ा बाजार का से बड़ा ही होता है और खूबसूरत तरह से फर्निश हुआ, मखल फर्निश भी मिल सकता है। फिर ये किचन है, मेन किचन है, इसमें भी एक डेली डाइनिंग का अरेंजमेंट है, ब्रेकफास्ट छोटी फैमिली के लिए खाना, और ये फिर ग्रीस किचन है, ये भी खासा बड़ा है और बनाने के लिए देखा जाए तो ये जो खाना बन भी रहे तो ये भी खासा बड़ा है। और इधर ये तीन को बड़ी बात नहीं, क्योंकि हज़ार गज का बंगला है तो ये बड़ा ही होता है। और ये एक इन्होंने सिटिंग एरिया बनाया है, ये बड़ा खूबसूरत फर्निश्ड है और इस तरफ से, क्योंकि जैसे आपको दिखाया बाहर ग्रीनरी है, प्लांटेशन अच्छी हुई है, क्योंकि ये लॉन भी फिलहाल एज ए लॉन यूज़ हो रहा है, हज़ार गज का प्लॉट है। एक देसी टाइप लिफ्ट भी है इसमें ऊपर जाने के लिए फैमिली के लिए, लेकिन ये बेडरूम है, बेडरूम के साइज अच्छे बड़े हैं बेडरूम में, और लकड़ी जो है ना पूरी बर्मा टीक है, काफ़ी बड़ी ड्रेसिंग में देख, काफ़ी बड़ी ड्रेसिंग की अलमारी वगैरह बनी हुई है। और इसी तरह से बाथरूम भी हैं, जदीद डिज़ाइन के हैं और बिल्कुल वेल मेंटेन किया है, इसने चोट यूज ही नहीं हुआ बहुत ज़्यादा, मुख्तर फैमिली रह रही है, ज़रूरत नहीं है इसलिए बेचना है। और फिर ये जीना नीचे भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है, लेकिन एक रूम ये भी है, ज़रूरत नहीं है तो ऐसे यूज़ हो रहा है, भर बेडरूम है बाकायदा, अटैच बाथ भी है और एक दो बेडरूम नीचे हैं बाथरूम के साथ। और इसके बाद अगर हम आहिस्ता आहिस्ता बाकी देखते हैं ये पूरा पैसेज, इसके बाद में खैर हम ऊपर से चलते हैं, ऊपर में आ गए, ऊपर आ गए हैं तो ये लिफ्ट का ही दरवाज़ा है और यहाँ पे बेडरूम शुरू होते हैं। पहले आप ये देख लें बेडरूम, बेड सेट के साथ भी बहुत खाली लग रहा है, क्योंकि काफ़ी बड़ा बेडरूम्स हैं और साथ में ड्रेसिंग भी बड़े बड़े, लकड़ी का बहुत काम है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, और बाथरूम भी तकरीबन सारे बग़ैर इस्तेमाल के पड़े हुए हैं, रह रहे नहीं, छोटी फैमिली है, कोई रहने वाला नहीं है, डिशेज वगैरह भी हैं और अच्छा डिसेंट एलिगेंट डिज़ाइन है। ये दो नीचे तो ये ऊपर का पहला ये आ गया, फिर एक ये किचन एड है ऊपर होता ही है, ये बेडरूम बंद है, ऐसे ही बेडरूम है लेकिन ये सो रहा है तो मैंने इनकी रिकॉर्ड किया, और लिफ्ट आ रही है। इसके बाद यहाँ से ये ओपन, बाद में भी दिखाऊंगा, ओपन टेरेस है, छत पे जाने का रास्ता यहाँ से है, ये एक उन्होंने डाइनिंग एक सिटिंग एरिया जैसे नीचे था ऊपर भी बनाया हुआ है, लॉन्च टाइप, और यहाँ पे इसके भी ओपन टेरेस वो है टेरेस, जैसे ये बेडरूम
आगे से यानी दो बेडरूम मैं आपको दिखा चुका हूँ, ये है तीसरा है, एक हमने देखा नहीं था लेकिन वो बेडरूम ही है, तो इस्तेमाल कोई कर रहा था। और ये भी ड्रेसिंग के साथ फुटवर्क बहुत ज़्यादा है, टाइल्स लाइट्स कोई काम नहीं है, बस जस्ट मूव इन करना है और नए जैसा ही है। लकड़ी के मखल करोड़ का, तो लकड़ी के ये पेन कितने का काफ़ी ज़्यादा काम हुआ हुआ है, ये भी नज़र आ रहा है। मैंने हर कमरे को उन्होंने ऐसे रखा है कि इसकी खिड़कियों से बहुत क्लीनली नज़र आए। अच्छा मास्टर बेडरूम है, बहुत ही बड़ा है ये तो, और अब देखें कुछ बेड बेड का तो पता नहीं चल रहा, इतना बड़ा बेडरूम है जिसमें फर्निशिंग में बहुत कमी है। इसके सामने भी टेरेस है ओपन, हर कमरे के साथ ये दिया है उन्होंने, ओपन एरिया दिया है। और इसके वॉक इन क्लॉजेट जो है काफ़ी बड़ा, ये ड्रेसिंग नहीं है वॉक इन क्लॉजेट है, काफ़ी बड़ी अलमारी है ये, जैसे ये बनी हुई है सब बरमेटिक लगा हुआ है, और यहाँ पर भी बड़ी अलमारी है, काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी है। और बाथरूम भी ज़ाहिर है इसी हिसाब से बहुत बड़ा है, देखा जाए तो काफ़ी वसी और रीज बाथरूम है। ये तो ऊपर का हो गया, और मास्टर बेडरूम काफ़ी ज़रूरत है ऐसी फर्निशिंग की, काफ़ी खाली पड़ा हुआ है। और यहाँ से हम ये आपको ऊपर का टेरेस बता रहे थे, सीढ़ियों पर जाने की हैं। और इसके बाद ये हम नीचे देखें तो बेसमेंट में इनको इन्होंने इस्तेमाल ऐसे किया कि एक रूम है ऐसी स्टोर की तरह से, ये बड़ा रूम है, खैर इसे कुछ भी किया जा सकता है, म्यूज़िक या लाइब्रेरी या स्टडी। और एक इन्होंने ये प्ले एरिया बनाया टेबल टेनिस वगैरह का, भाई भी मेरे ये स्टूडियो बन सकता है, काफ़ी बड़ा है। और एक ही है, ये भी जरूरत नहीं है, दूसरी मिजाब से सेकंड क्वार्टर्स भी हैं अलग से हैं, दूसरी तरफ हैं, वो मैंने नहीं रिकॉर्ड की, ये बाहर का थोड़ा सा बता रहा हूँ। ये हज़ार का जो दूसरा प्लॉट है, लॉन की शक्ल दी हुई है उन्होंने, दोनों प्लॉट अलग हैं और एक पे घर बना हुआ है। आपने देखना हो तो फ़ोन करें और फिर अंदाज़ा हो जाएगा बेहतर आपको देखने का कि कैसा बना हुआ है। जैसे दिख रहा है इससे बेहतर है, रिकॉर्डिंग इतनी अच्छी नहीं है, वैसे भी ज़्यादा हो भी नहीं सकती बारिश के अलावा।